माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 ब्राह्मण समाज के गौरव सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज के गौरव सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज के गौरव सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी हिंदुस्तान के ब्राह्मणों के नेता और हमारे गौरव माननीय मिश्रा जी आपके बीच में आ चुके हैं। अब पीछे वो करो पत्रकार बंधु बैठे पीछे लोग खड़े हैं, वो अनुशासन बनाने का काम करें। हमारी बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी है, कोई भी हम पर ऐसा आक्षेप न लगे कि हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं। मेरा सब लोगों से निवेदन है, मुख्य अतिथि जी आपके बीच में आ चुके हैं, उनके मान सम्मान के लिए आप अनुशासन बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पे सामने जो गैलरी पे मीडिया के लिए है, इस बीच में कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित ना हो और मंच में भी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। मैं सबके लोग जितने भी मंच में हैं और सामने बैठे हैं, एक एक व्यक्ति का हार्दिक अभिवादन हार्दिक सम्मान करता हूं। यहाँ अनुशासन बनाने का काम करें, मास्क लगाने का काम करें। अब मैं माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय नकुल दुबे जी से अनुरोध करूंगा, वे आकर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का आह्वान करें। भाइयों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ बीच में, 23 जुलाई को माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अयोध्या से इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया है। अभी पूरा विजय रथ उन्होंने अयोध्या से शुरू किया है। आज उत्तर प्रदेश के लगभग 26 जिलों में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक जिले में जाकर 35 से 40 सेंटीग्रेड गर्मी में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के और अन्य समाज के प्रमुख लोगों से उन्होंने जाकर वार्ता की है, उन्होंने जाकर अपने संबोधन किया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के आह्वान पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले लिया है। श्री आदरणीय मिश्रा जी, अब मैं माननीय नकुल दुबे से, हेलो बोलिए भगवान परशुराम की। मैं सबसे पहले पूर्व प्रत्याशी भाई अनिल शर्मा जी से, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय है, हमारे पॉलिटिकल बंधु है संजय शर्मा जी है और हमारे डीजीपी साहब है भूषण जी, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण पर करके उनका स्वागत करते हैं। अनिल शर्मा जी परशुराम जी का जो हथियार है अरसा, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करके उनका अभिनंदन करना चाह रहे हैं। माननीय अनिल शर्मा जी, अरे हो जाएगा।
जोरदार तालियां हो जाए। आदेश शर्मा जी, उनसे अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। नीरज शर्मा जी, अभी आपसे वार्ता करके जाएंगे, आप रुक जाइए, बैठ जाइए। मैं अपने सभी बंधुओं से जो कि यहाँ पर सामने हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अभी यहाँ पर मंच में सबों ने एक फाइट हो जाए। तो मैं बंधुओं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आज पुनः अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आज 13 अगस्त है। इस देश के स्वाधीनता दिवस के 2 दिन पहले आप इसको पूर्व संध्या मान सकते हैं। आज आप सब लोग माननीय सतीश मिश्रा जी के सामने यह संकल्प लेकर के जाइएगा, कोई भी अछूता न रहे, चाहे बैठा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे मंच पर हो, कि माननीय मिश्रा जी, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आपके सामने संकल्प दिखा करके जा रहे हैं कि जब तक इस आपकारी व्यभिचारी सरकार को, इस पीएम की सरकार को हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचाने देंगे, तब तक हमारा ब्रह्म समाज शांति में बैठने वाला नहीं है। ये आह्वान करने के लिए आप लोगों को मैं आपके बीच में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग उनको सुनना चाहते हो, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, 23 तारीख को एक मंद सुगंधित हवा चली उत्तर प्रदेश में और आज 13 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी और तूफान के रूप में बदल गई है। ये ब्रह्म समाज का कमाल है, ये आपके समाज का कमाल है। भारतीय जनता पार्टी वाले भी देश के हमारे भाई लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले खिसियानी बिल्ली खम्मा लोचे, जब समाज को नहीं रोक पा रहे, समाज के दर्द का एहसास उनको अभी तक नहीं हुआ और समाज ने एकत्रित करके जब संकल्प लेना शुरू किया, जब परशुरामी फरसा लोगों के हाथ डालने लगा तो चिल्लाने लगा, चीख रहे, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे भाई तुमने अत्याचार किया है तो तुमको सजा तो मिलेगी ना, और सजा देने वाले हमारे परशुराम रूपी माननीय मिश्रा जी हम सबके सामने हैं, इनके विचारों को सुनिएगा और उसको यहाँ में छोड़ करके जाइएगा, बहुत भव्य प्रांगण है, उनके विचारों को सुनिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, अपने साथ अपने अपने गांव लेकर के जाइएगा, श्याना सहित सारे गांव में फैलाने का काम करिएगा। केंद्र समाज के लोगों, हम लोगों 2007 वाली सत्ता पुनः चाहिए, आदरणीय बहन कुमारी मालती पुनः मुख्यमंत्री हमको चाहिए उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा हमें कुछ और मंजूर नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ माननीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया वो माइक पर आए और हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय शिव सर, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन मायावती जी सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन मायावती जी सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्य अतिथि सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित
मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री अरुण द्विवेदी जी पूर्व लखनऊ से जो चल करके आए हम लोगों के साथ में, श्री सुबोध पराशर जी पूर्व विधायक बिजनौर जो संचालन कर रहे थे, माननीय प्रवीण वशिष्ठ जी, माननीय मनोज चाटर जी, माननीय कमल राजन मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री अजय शर्मा जी, श्री कालू शर्मा जी, माननीय आनंद शर्मा सिकंदराबाद, माननीय ओम प्रकाश शर्मा, माननीय आदेश भारद्वाज जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री रविंद्र शर्मा जी, संजय भारद्वाज, अरुण गौड़, मनोज शर्मा, गोपाल शर्मा, नेत्रपाल शर्मा, प्रवीण वशिष्ठ, अमित शर्मा, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष जी योगेंद्र भूषण जी, एक्स आईपीएस यहाँ पर बैठे, समाज के तथा सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इतनी बड़ी संख्या में जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मीडिया के साथियों, भाइयों, आज ही हम लोगों की जो 23 तारीख से गोष्ठी शुरू हुई थी उसका आज 25वां दिन, 25वीं गोष्ठी आज हम लोग, और ये गोष्ठियां अनवरत चलती रहेंगी जब तक कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में नहीं बोलेंगे, उसके बाद ही हम लोग अपने इस कार्यक्रम को, पहला चरण जो होगा जब 75 जिले हो जाएंगे उसके बाद ही लखनऊ जाने का काम करेंगे, उसके पहले हम लोग सारी गोष्ठियां करने का काम करेंगे। आज जो माहौल है उत्तर प्रदेश में वो किसी से छिपा नहीं है, और ये माहौल जो आज है ये अभी से नहीं है, ये पिछले 4.5 वर्षों से, 4.5 वर्षों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से ये खुलेआम अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराना, धमकाना, मरवाना, मारना, हर तरह का ये कार्य कर रहे हैं, ये हमको वही याद दिलाता है इसके पहले की जो सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2003 से लेकर 2007 तक की थी, इसी तरह का मंजर हमको देखने को मिला था, और उसके बाद जब 2012 से 17 तक रही तो उन्होंने तो और बढ़ चढ़ करके जो 3 से 7 में किया था उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ने का काम किया, और ये दोनों ही पार्टियां, इनके मुख्य निशाने पर दो लोग खास तौर से होते हैं, और वो दो लोग कौन है, एक हमारे दलित समाज के भाई बहन और ब्राह्मण समाज के भाई बहन, इनको ये चिन्हित करते हैं, चिन्हित करके इनको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इनको बेइज्जत किया जाए, कैसे इनको प्रताड़ित किया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी कितना भी स्तर नीचे गिरना पड़े वो गिरने के लिए तैयार रहते हैं, और इतना ही नहीं इसमें ये लोग बहु बेटियों को भी नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में नीरज मिश्रा नाम के एक नौजवान व्यक्ति जो कि कन्नौज में रहने वाला था और मजबूत किस्म का एक होनहार लड़का था, उसने थोड़ा सा खुल करके विरोध करने का काम कर दिया था, तो उसको कैसे उसको उठा लिया गया और उसका सर कटवा करके फिर लखनऊ में दर्शनार्थ मंगवाया था, वो अखबारों में, मैगजीन में सब फोटोएं निकली थी और पूरा किस्सा भी निकला था कि छिबरा मऊ कन्नौज का लड़के को क्या क्या था। उसी तरीके से जब इनकी सरकार 2012 में आई तो इन्होंने उस समय भी उसी तरह का उत्पात मचाने का काम किया, दलितों को खास तौर से चिन्हित करके, ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करके,
यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तो अपने कार्यक्रम में ही कह दिया कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, ये किसी लायक नहीं है, इनकी बेइज्जती करके इनको वापस भेज दिया करो। अखबारों में छप गया, उसकी लीपा पोती करते रहे, लेकिन जो नियत थी वो सामने तो फिर आ गई दोबारा। जब आपने जो इनकी पार्टी के संस्थापक रहे थे राजाराम पांडे जी और प्रतापगढ़ के थे, उनको इतना बेइज्जत किया अपने घर में बुला करके बंगले में और मीडिया के सामने लोगों के सामने, और उनको मंत्री पद से हटाया, उनका मकान छीना, और उनको जब इतना बेइज्जत हुए वो कि जब वो अपने घर गए तो बेइज्जती इतनी वो अपना उसको संभाल नहीं पाए, उस बेइज्जती जो उनको सहनी पड़ी थी, और उसका नतीजा क्या निकला था, घर जाते जाते उनका हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं, किस तरीके से हाथरस का कांड हुआ, किस तरीके से एक दलित की बेटी उसका रेप होता है, रेप होने के बाद पूरा शासन प्रशासन जो उसमें शामिल थे लोग उनको बचाने में लग गए क्योंकि वो उनके चहेते थे। और इतना ही नहीं, जब वो लड़की ने अपना दम तोड़ दिया तो उसके बाद उसके मृत शरीर को भी उनके परिवार वालों को देने से मना कर दिया, वहां पीएसी लगा दी, बटालियन लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, मीडिया वालों को एक एक दो दो किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के भगाने का काम किया, घर वाले रोते रहे लगते रहे कि हमको कम से कम अपनी लड़की का अंतिम संस्कार तो कर लेने दो, नहीं अंतिम संस्कार करने दे रहे, उसकी शक्ल तो दिखा दो, लेकिन नहीं, लखनऊ से निर्देश था आदेश था कि किसी भी हालत में इस लड़की को उसके हाथों में नहीं देना है, उनके परिवार वालों को नहीं देना है, और इसको ले जा करके चलाने का काम करो। फिर आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, पूरे प्रदेश पूरे देश और पूरी दुनिया में हम लोग शर्मसार हुए किस तरीके से ले जाकर के खेतों में और मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम था। एक दो किस्से हो तो आप तो गिनाए जाए, सैकड़ों की तादाद में किस्से है, झोपड़ियां उखाड़ने का काम, बुलडोजर चलाने का काम, घर जला देने का काम और फिर मरवा देने का काम, ये तो आम बात हो गई है। 2017 में जब आई सरकार, आते ही इन्होंने बता दिया सबको कि हमारी सोच ब्राह्मण समाज के बारे में क्या है। आते ही 2017 में इन्होंने पांच पांच ब्राह्मण समाज के नौजवान लोगों को जो रायबरेली के थे, मजबूत किस्म के थे, उनको इन्होंने मरवाने का ही चला करके मरवाने का काम नहीं किया, उनकी झोपड़ियों में भी आग लगा दी, और उसके बाद उनके मंत्री जी कहते हैं ये तो बड़े दुर्दांत अपराधी थे, अच्छा हुआ ये मर गए, और इनको मार दिया गया। हम उनके घर जब गए, परिवार वालों के पास गए, झोपड़ी देखी जा करके, अगर अपराधी थे तो कुछ तो घर में होता, तो घर में तो खाने के लिए भी कोई सामान नहीं था, 10x10 की झोपड़ी थी जिसको भी इन्होंने तहस नहस करके और अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। उसके बाद तो इन्होंने छड़ी लगा दी, चाहे दलित समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, पूरे प्रदेश में आतंक सा फैला दिया, इतना दहशत कि डराना दबाना धमकाना कि ब्राह्मण समाज के लोग इतने भयभीत हो जाए कि वो चुपके से बैठ करके अपने घरों में बैठ जाए, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा ये करने को तैयार, चाहे गोरखपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता को गोलियों से मार दिया गया क्योंकि वो मुखर थे, चाहे दो दो पत्रकारों की हत्या हो गई खुलेआम गोलियों से मार दिया गया क्योंकि वो मुखर पत्रकारिता करते थे, इनका असली चेहरा खोलने का काम करते थे, और कानपुर के नाम पे, कानपुर में जो कांड हुआ उसके नाम पे न जाने कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को मरवाने का काम किया और उठवा लेने का काम किया, जो वहां पर तो छोड़ो वो दूसरे प्रदेशों में थे, वहां से भी उठवा लिए गए, कलकत्ता बंबई से उठवाए गए, लखनऊ से उठवाए गए, और लखनऊ से उठवा करके राकेश पांडे नाम का एक जो व्यक्ति था वो अपने माता पिता का इलाज कराने के लिए आया था, और उनके कोरोना से दोनों पीड़ित थे, घर में था, उसको उठा ले गए और ले जाकर के कंटेनमेंट में गोलियों से भूनने का काम कर दिया।
एक को नहीं, इन्होंने कमलेश तिवारी को जो कि हिंदू एक चलाते थे पार्टी, हिंदू पार्टी के नाम से चलाते थे, लेकिन इनके खिलाफ थे, ब्राह्मणों के साथ खड़े रहते थे, इनका असली चेहरा खुलासा करते थे सबके सामने, उनको गोलियों से भून दिया गया और बाद में कहा गया कि वो तो गुजरात से आए थे लोग और वो मारकर चले गए और उनका आज तक पता नहीं लगा। विनय तिवारी उसको रोक करके लखनऊ के शहर में रोक करके सिर्फ इतना पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और जैसे ही उसने बताया कि हमारा नाम विनय तिवारी है, उसको रोक करके वहीं उसके सीने पे गोली दाग दी जाती है और वो मर जाता है। बुंदेलखंड में महोबा में व्यापारी था ब्राह्मण समाज का, वो जरा मुखर था और लोगों का काम करता था, ब्राह्मण समाज का दलित समाज के बीच में बहुत ज्यादा उसको लोग चाहते थे क्योंकि मिल करके उन लोगों को आपस में मिलाकर के काम करने का काम करते थे, लेकिन ये लोग उससे नाराज थे, उनके काम कार्यों से नाराज हो रहे थे और उसका नतीजा क्या निकला, उसको रोका उसकी गाड़ी और उस व्यापारी को गोली मार दी और बाद में जब हल्ला गुल्ला हुआ तो कहते उससे तो आत्महत्या किया, उसको आत्महत्या का रूप दे दिया। जब टेलीफोन में वार्ताओं का खुलासा हुआ तब पता लगा वो तो बता करके मारा गया था, अधिकारी से बातचीत हुई और उसके बाद उसको गोली मारी गई, तो जो अधिकारी था उससे कहा गया तुम तुरंत प्रदेश छोड़ दो और प्रदेश छोड़ करके बाहर हो जाओ और हम तुम्हारी देखरेख करते रहेंगे पर उत्तर प्रदेश में अभी मत आना जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कानपुर में पिकरू कांड के नाम पे एक वो नहीं कितने लोगों को गाड़ी से उतार उतार करके, गाड़ी फिसल गई कहते हैं गाड़ी फिसल गई वो बाहर निकला भागने लगा, हमने इनकाउंटर कर दिया। 17.5 साल का लड़का जो कि हरियाणा में काम कर रहा था लेकिन दूर दराज से उस मोहल्ले में रहता था, रिश्तेदारी में भी दूर किया आता था, उसको वहां से उठवा लिया, उठवा करके ला करके और फिर से गाड़ी पलटी और फिर वो बाहर निकला और इटावा के पास उसको गोलियों से भून दिया गया। एक नहीं कितनी हत्याएं उन्होंने उस दाम पे कर दी और इतने ही नहीं उन्होंने कहा ये मौका जाने मत दो, भारतीय जनता पार्टी के जो आला लोग बैठे थे और जो लखनऊ में बैठे थे उन्होंने कहा ये मौका जाने मत दो, इस समय जितने भी मजबूत ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो कानपुर में हैं, कानपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र में बड़े मजबूत किस्म के ब्राह्मण समाज हैं, इनको घेरो और ये मौके में इनको अज्ञात में नाम डाल दो, 100 लोगों का अज्ञात लिख दो और उसके बाद जो जो समझ में आए उसको उठाते जाओ और उठा करके इसी में निपटाने का काम करो। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को अज्ञात लोगों के नाम पे जो दर्ज किया गया रिपोर्ट उसके नाम पे उठाने का काम किया गया, 50 से ज्यादा लोग तो अभी जेल के पीछे हैं और उनके इतनी धाराएं लगा दी गई हैं जितनी आईपीसी में धाराएं होती है उतनी लगा करके उनको बंद करने का काम किया। इतना ही नहीं जो एक घर में एक दिन पहले शादी हो गया थी खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की थी, एक दिन पहले 29 तारीख को उसकी शादी होती है खुशी दुबे की, उसके जिससे शादी होती है 1 तारीख को पहला दिन था उसका मेहंदी भी नहीं छूटी थी, 2 तारीख को उस जिससे शादी होती है उसको तो गोलियों से भून दिया लेकिन उस लड़की को भी उठा ले गए। उस लड़की का क्या दोष था, उसको ले गए पहले ज्ञात जगह पर बाद में जेल में भेजने का काम किया और जब 3 महीने बाद पता लगा कि ये तो लड़की जो है ये तो अभी नाबालिग है 16.5 वर्ष की है तो उसके बाद उसको रिमांड होम में भेज दिया और 12 बंकी में जहां 2 कमरे में 48 लड़कियां रहती है वहां उसको ले जाकर भर्ती कर दिया। और इतना ही नहीं ये भी आदेश हुआ निर्देश हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार का मुखिया वहां बैठ करके कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, किसी हालत में बेल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी करना हो करो, तो यहां तक किया कि षड्यंत्र करके एक फर्जी सर्टिफिकेट लिखवाई वहां की अधीक्षिका से, उसने ये एक फर्जी सर्टिफिकेट लिख के अदालत में डालने का काम किया कि खुशी दुबे जिन लड़कियों के साथ में रहती है उन लड़कियों ने शिकायत की है 47 लड़कियों ने कि वो कहती है कि हमारी इज्जत से बेल हो जाएगी और हम बाहर निकलेंगे तो हम बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे।
और हम दुनिया को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और यही कह करके उसकी बेल को खारिज कराने का काम इन लोगों ने करने का काम है। इतना ही नहीं, घर में जो एक काम करती थी महिला, उसके साथ उसको भी उठा ले गए और उसके ऊपर भी सारी धाराएं लगा दी और उसको ले गए। उसके साथ में 6 साल की उसकी बच्ची थी, 3 साल का छोटा बच्चा था, उन दोनों को भी उठा ले गए और आज तक उसको जेल में बंद कर रखा है। और निर्देश है कि ऐसे ऐसे धाराएं लगाओ कि 15 साल तक ये बच्चे जब व्यस्त हो जाएं तभी जेल से बाहर निकले, इतनी धाराएं इनके ऊपर लगा दो। इस तरह की सोच ये भारतीय जनता पार्टी की, वो पार्टी जिसको कि ब्राह्मण समाज ने, जब समाजवादी पार्टी से वो दुखी हुआ था 2017 में, तो उसने सोचा कि ये लोग तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये धर्म का नाम भी लेते हैं, तो हम क्यों ना इनको आजमा के देख लें और क्यों ना हम इनको वोट दे दें। ये वो पार्टी है जिसने इन नामों पर, झूठे वादों पर, धर्म के नाम पर वोट तो ले लिया, लेकिन उसके बाद करने का क्या काम किया वो आपके सामने है, आपको भी संभालूंगा। ये वो पार्टी है जिसमें इनके बड़े नेता जो राज्यसभा में हमारे साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो जब चुने गए राज्यसभा में तो उसके बाद मीडिया से बाहर निकले, अभी 6 महीने पहले मीडिया के लोगों ने घेर लिया, कहा कि ये बताइए हरिद्वार दुबे जी, आप तो बड़े बड़े पदों में रहे हैं, आप तो स्पोक्समैन भी रहे हैं, आप तो कई कई बार एमएलए रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश को क्यों उत्पीड़ित कर रहे हैं, वो सब नाराज है उनसे और अब की बार सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो उनका जवाब क्या था, वो जवाब उनका नहीं था, वो जवाब उनकी पार्टी की तरफ से था, जो पार्टी की सोच है वो जवाब सामने आया था, मीडिया में वो रिकॉर्डिंग है, जब चाहे तब आप यूट्यूब में खोल के देख लीजिए, हरिद्वार दुबे के नाम से राज्यसभा डाल के निकल आएगा। वो कहते हैं कि ये ससुरे ब्राह्मण जाएंगे कहां, इनकी तो मजबूरी है, ये जाएंगे कहां, इनको तो हमारे पीछे पीछे आना ही है। तो ये जो सोच है कि हम चाहे कुछ भी कर लें ये हमारे ही साथ आएंगे, तो इस पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज एक बार जब तय कर लेता है और जिसके साथ इकट्ठा हो जाता है और जिसके साथ आ जाता है तो फिर सरकार वो उसी की बनवाता है, ये भी तय है, ये पिछला इतिहास बताता है। याद करिए 2007 को किस तरीके से ब्राह्मण समाज उस समय इससे भी पूरे हालों में था, जहां तक राजनीति के सवाल था, 5-5 खाली विधानसभा में ब्राह्मण समाज के एमएलए बच गए थे, शून्य पर पहुंच गया था और उस समय हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में हर जिले में गए थे, आपके जिले में भी आए थे, और जिस तरह से हम अपनी बात फिर से जा रहे हैं। और हमने ब्राह्मण समाज से जब हमसे वो कह रहे थे कुछ करिए, हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो हमने उनसे यही कहा था कि पहले आप सोचिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदार तो आप खुद हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी कहलाते हैं और हैं भी, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक बार सोचने पर काम करिए, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। आप 16% है उत्तर प्रदेश में, और 16% उत्तर प्रदेश में जहां 25 करोड़ लोग हो, तो 16% का मतलब हुआ कि आप 3 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के। लेकिन उसके बाद भी आप कि ये हालत क्यों हो गई, क्योंकि आप लोग आपस में बिखरे हैं, आप लोग एक साथ नहीं इकट्ठा होते, एकजुट नहीं होते, अपना अपना देखने लगते हैं, मेरा क्या होने वाला है, मेरा स्वयं का क्या होगा, समाज के बारे में भूल जाते हैं और सर्व समाज के बारे में भूल जाते हैं, जो कि ब्राह्मण समाज को का उद्देश्य होता है और जो हम लोगों को निर्देश मिलता है पैदा होने के बाद से ही हम लोगों के अंदर जो संस्कार डाले जाते हैं कि सर्व समाज की देखरेख करनी है आपको, सर्व समाज के बारे में सोचना है, लेकिन जब स्वयं के बारे में नहीं सोच पाएंगे तो सर्व समाज का क्या सोचना। इकट्ठा होइए, एक साथ होइए, एकजुट होइए, 16% जब एकजुट हो जाएंगे आपस का बंटवारा खत्म कर देंगे, भूल जाएंगे
कि हम सर्वोपारी ब्राह्मण है, सनाज ब्राह्मण है या कानपुज ब्राह्मण है, या हम त्यागी है और या हम राय है। आप जब अपने आप को खाली ब्राह्मण समाज के नाम से जानेंगे, ब्राह्मण की तरह से जानेंगे, तो आप 3 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे, बहुत बड़ी मजबूत शक्ति हो जाएगी। ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एक साथ हुआ, एकजुट होकर के हमारे साथ में आया, भाईचारा बनाने के लिए भी तैयार हुआ। हमने भाईचारा बनाने का उनसे अनुरोध किया कि भाईचारा क्यों बनाइए, ये भी हमने उनसे कहा। हमने कहा इसलिए कि आप इकट्ठा तो हो गए, एकजुट हो गए, लेकिन गलत फहमी ना रहे हम लोगों को और आपको भी ना रहे कि अब तो हम 16% हो गए हैं, अब क्या है, अब तो हम जग जीत लेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 16% अगर एक साथ हो भी जाए तो भी आप उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकते। सीट जीतने के लिए आपको 30% के ऊपर चाहिए और 30% बनाने के लिए आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। और भाईचारा किसके साथ बनाइए, सबसे पहले आप हमारे दलित समाज के भाई बहन जो हैं, जो कि 23% हैं, और उनके साथ में भाईचारा बनाइए। उनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, वो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन आप अपना भाईचारा बना लेंगे तो आप तो दो ही लोग मिल करके और आप 30 के ऊपर चले जाएंगे, आप 40 के करीब पहुंच जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में खाली होने का काम करेंगे। और लोगों ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, भाईचारा बनाया। किसके साथ बनाया? दलित समाज के साथ गांव गांव में भाईचारा बनाया और भाईचारा बना करके इकट्ठा हुए, एक शक्ति के रूप में बाहर आए। वो 23% जो मैं दलित समाज के भाई बहन है, जो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बहक नहीं जाते धर्म के नाम पे या किसी और नाम पे, या कि उनकी झोपड़ी में कोई चला गया, या उनको उनके साथ कोई खाना खाने लगा, या किसी ने तस्वीर खिंचवा ली, वो इन सब चीजों से बहकते नहीं है। वो जो है वो इकट्ठा रहते हैं, एकजुट रहते हैं और एकजुट होकर के चट्टान की तरह वो बहन मायावती जी के साथ में खड़े रहते हैं और उनके साथ में आज खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं और अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। और उन्होंने ताकत दिखा करके लोगों को मजबूर किया कि यहाँ पर झोपड़ियों में आओ तो खाना खिला देंगे, सब कर देंगे, लेकिन वोट तो हम बहन मायावती जी को ही देने का काम करेंगे और उनके साथ ही रहने का काम करेंगे। बहन मायावती जी झोपड़ियों में नहीं जाती, इन लोगों तरह से और पार्टियों तरह से नाटक नहीं करती कि झोपड़ियों में जाएं, उनके साथ बैठे वहां खाना खाएं। बहन मायावती जी को झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनको झोपड़ियों से बाहर निकाल करके और उनको दो दो कमरों के पक्के मकानों में ले जाने का काम करती है और अपनी सरकार में करके दिखाया हूं। एक तो नहीं 20 लाख से ज्यादा लोगों को झोपड़ियों से निकाल करके और दो दो कमरों के पक्के मकान पे बहन मायावती जी ने उनको पहुंचाने का काम किया। उनकी तो तैयारी थी अगली सरकार अगर 5 साल की आई होगी तो उत्तर प्रदेश में कोई झोपड़ी में रहने वाला नहीं होता, सबके पास अपने अपने पक्के मकान होते और उनका मकान वो अपने मकानों में रह रहे होते, सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे। और इन लोगों को उनको धोखा देने के लिए उनको उनके घरों में आने की जरूरत नहीं थी। याद करिए बहन मायावती जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास किया था। 29,000 से ज्यादा अम्बेडकर गांव, 29,000 से ज्यादा अम्बेडकर गांव को उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया और 28,000 प्राइमरी स्कूल बनवाए थे, 5,000 प्राइमरी जो स्कूल होते हैं हाई स्कूल, और उसके बाद इंटरमीडिएट वाले 5,000 स्कूल बनाए थे, 7 यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय दर्जे की बनाई थी, उसमें एक यूनिवर्सिटी लखनऊ में डॉक्टर शोभता मिश्रा जो विकलांगों के लिए अपनी दुनिया में अकेली यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था। पहली अरबी फारसी यूनिवर्सिटी भी बहन मायावती जी ने लखनऊ में बनवाई थी। नोएडा की यूनिवर्सिटी आज भी विदेशों से लोग पढ़ने आते हैं और वहां के बच्चे विदेशों में जाते हैं, वो बहन मायावती जी की देन थी। 23 जिले बनवाए, अनेकों हॉस्पिटल, 7 मेडिकल कॉलेज। इस तरह से नहीं कि सरकारी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बता दिया और कह दिया कि हमने तो मेडिकल कॉलेज खोल दिया,
उन्होंने 23 जिले जब बनाए तो उन 23 जिलों में उन्होंने सारे सर्व समग्र विकास करने का काम उन जिलों का करने का काम किया। उन्होंने एक को नहीं, आते ही उन्होंने जो सरकारी नौकरियों में रोक लगी थी और अपर कास्ट की नौकरियों में रोक लगी थी उसको उन्होंने हटाने का काम किया और हटा करके 5 साल में उन्होंने 23,60,000 नौकरियां उन्होंने नई सृजित करके देने का काम किया। पुरानी वाले में तो करने का काम किया ही है। उन्होंने पहले ही वर्ष में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां, पहले वर्ष में नई नौकरियां देने का काम किया। बहन मालती जी ने पूरे प्रदेश का समग्र विकास किया। जितने धर्म के स्थल थे, चाहे जो भी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे हरिद्वार के करीब जो क्षेत्र पड़ता उत्तर प्रदेश में वो हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे बिखूर हो, चाहे अयोध्या हो, उन्होंने सब जगह और चाहे वो इलाहाबाद हो, उन्होंने हर जगह उसका विकास करने का काम किया, समग्र विकास करने का। और ये लोग क्या करते हैं, ये खाली धर्म के नाम पे और झूठे वादों के नाम पर आपसे वोट मांगने का काम करते हैं। बहन मायावती जी ने ब्राह्मण समाज का जो खोया हुआ मान सम्मान था, चूंकि ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया था, बहन मायावती जी के साथ में एक साथ एकत्रित हुआ तो उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। याद करिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं 15 उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को मंत्री बनाने का काम, मंत्रालय देने का काम किया। उन्होंने सब समाज को दिया तो ब्राह्मण समाज को भी नहीं छोड़ा, उनको पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने आगे की पंक्ति में उनको भी रखने का काम किया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी बनाए, सुबोध पराशर भी उसी में से है, ब्राह्मण समाज के लोगों को और बना करके उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया जहां का अध्यक्ष भी उन्होंने ब्राह्मण समाज का। 5,000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के उन्होंने बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि महाधिवक्ता भी, अतिरिक्त महाधिवक्ता भी और सभी लोग शामिल है और उत्तर प्रदेश में उनका 10 गुना जो मेहनताना था उसको भी बढ़ाने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा में भी 0.5 दर्जन से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मण समाज के भेजे। राज्यसभा में उन्होंने हमको अपनी पार्टी का नेता बनाया, लोकसभा में भी उप नेता बनाने का काम बहन मायावती जी ने करके और ब्राह्मण समाज को उसका सम्मान लौटाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसने तो आप लोगों को खाली रोको और नाम पूछो और ठोक दो अगर ब्राह्मण समाज के हैं, इस तरह का कार्यक्रम बढ़ाने का काम। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज पूरे प्रदेश में एक दहशत फैला रखा है, झूठे वादों पर सरकार बनाई है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां, वो तो लेने का काम कर दिया, हर साल 2 करोड़ नौकरियां जा रही हैं। नौजवानों ने जब शोर मचाया, पढ़े लिखे जो नौजवान है PhD और सब लिए हुए, उन्होंने कहा कि हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो उनसे कहते हैं कि आप तो पकौड़े बेचिए जाते हैं, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, आप पकौड़ा बेचने का काम। इस तरह से जवाब देने का काम करते हैं PhD होल्डर्स को, कहते हैं 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे, 15 लाख खाते हर एक के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे, 1 रुपया भी पहुंचा दिया हो तो बहुत बड़ी बात है। और देते हैं जब है अनाज बांटने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का झोला लेकर के सरकारी धन से उसमें 5 किलो गेहूं देते हैं और उसमें फोटो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की लगी होती है, 15 दिन का राशन दे रहे हैं और दिखाते ऐसे हैं जैसे पता नहीं भीख में क्या दे रहे हैं और इस तरह से तस्वीरें खिंचवाते हैं, जबकि ये पैसा तो आपका अपना खुद का है, आपके टैक्स का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, उसी से तो निकाल करके दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले अपने पैसे से करते तो हम समझते कि अपनी तस्वीर छाप रहे हैं, अपनी फोटो छाप रहे हैं, कुछ भी कर लेते। जो रुपया उन्होंने इकट्ठा किया है, जो धर्म के नाम पे रुपया इकट्ठा किया है, जो अयोध्या के नाम पे एक रुपया इकट्ठा किया है, वो रुपया कहाँ है? हम अयोध्या गए थे, अयोध्या में जब गए हम तो सोच रहे थे सोने की नगरी बन गई होगी, DCO 1,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं खर्च कर दिया हमने वहां पर, कहाँ लगा दिए वो रुपए? वहां की सड़कें, वहां का शहर उसका इतना बेहाल है, किसी भी शहर में आप चले जाइए उससे ज्यादा अच्छा कोई भी खराब से खराब भी शहर आपको वहां का हाल चाल पूछेगा। मंदिर के नाम पे वोट मांगने का काम किया इन्होंने, मंदिर के नाम पे 93 से लेकर के और अभी तक लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए,
एक दो नहीं लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए, विदेशों से भी रुपए मंगाए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, निर्णय आने के बाद 1.5 साल हो गया है, 1 साल पहले ईंट पूजन किया था, कोई नियुक्त पूजन नहीं हुआ था। दिखाते हैं कि हमने कोई नियुक्त पूजन कर दिया। कौन सा नियुक्त पूजन किया? 5 ईंटों पर रख करके पूजन किया था और उन 5 ईंटों को भी हटा दिया गया जो कि वहां पर नहीं बचे हैं, दिखाने के लिए खाली। और उसके बाद झोला लेके फिर से पूरे देश में भेज दिया, प्रदेश में भेज दिया कि रुपया इकट्ठा करो, हमें तो रामलीला का मंदिर बना। पूछिए इनसे वो पुराना रुपया कहां गया? इनके पास 10,000 करोड़ रुपए और इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम में, वो रुपया कहां गया? राशन बांटना है, 5 किलो 15 दिन का अनाज बांटना है तो उस रुपए का इस्तेमाल करो जो अपने पास रखा हुआ है। उस रुपए को कहां ले जा रहे हैं? खाली क्या पार्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे? खाली चुनाव के लिए करेंगे? खाली हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज और गाड़ियां जो चुनाव में इस्तेमाल करेंगे उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे? वोट तो आप धर्म के नाम पे मांगते हैं और धर्म के नाम पे सबसे बड़ा अधर्म कर रहे हैं। वहां पर कुछ भी नहीं है आज के रोज, न्यू तो छोड़िए, वहां पर अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और वो कभी नहीं करेंगे ये। जब तक ये वोट के नाम पे आप लोग इनको धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे तब तक ये वहां पर कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन ये कुछ करेंगे कर देंगे। अभी तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ, ये नहीं चाहते थे कि निर्णय आए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया। उसके बाद अब इनका इरादा है कि किसी भी प्रकार से ये बना रहे, ऐसे ही चलता रहे जिससे कि हम आपसे वोट भी लें, नोट भी लें और आपको चोट भी पहुंचाने का काम करें, ये इनकी नीयत है और इसी उद्देश्य से चलते हैं। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानिए, हम लोग घोल नहीं बताते, हम लोग कार्य करते हैं। वृंदावन यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जाकर के देखिए वृंदावन। समग्र विकास किया था बहन मायावती जी की सरकार में वृंदावन का, 550 करोड़ रुपए लगा करके। वहां तो सीवर लाइन भी नहीं थी, पानी की भी लाइन नहीं थी पीने की। पूरे वृंदावन में, बरसाना में और जहां जहां पर भी गोवर्धन में परिक्रमा स्थल बनाने के पहले पूरे सीवर लाइन डाली गई। उसके बाद परिक्रमा का स्थल बनाया गया, परिक्रमा के लिए रोड बनाई गई, वहां पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया, बिजली नहीं आती थी बिजली घर बनाया गया, बस अड्डा नहीं था बस अड्डा बनाया गया, विधवाएं जो थी इधर उधर रहती थी विधवा आश्रम बनाया गया। और इस प्रकार से एक एक चीजें कर करके वहां पर जितना समग्र विकास हो सकता था, जितनी भी लोगों की लोगों ने कहा कि हमको ये चाहिए ये चाहिए, वो सब देने का काम बहन मायावती जी की सरकार ने। वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है, उसको वाल्मीकि आश्रम को भी वहां पर सजाने का काम, वहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च करके उसका भी समग्र विकास करने का काम किया। इसलिए भाइयों हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बार ये गलती मत करिएगा, इनके झूठे वादों इनके धर्म के नाम पे इनको वोट देने का काम मत करिएगा। अब की बार इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है और सबक आप तभी सिखा सकते हैं जब आप सब एकजुट हो जाएं, भाईचारा बनाएं, एकत्रित हो और भाईचारा बना के सब समाज को साथ में लेकर के और ये निर्णय लेने संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं और ये संकल्प लें कि अब की बार 2022 में हम लोग इस प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं और इस सरकार को कानून द्वारा कानून से चलाने की संकल्प लेते हुए वो तभी पूरा हो सकता है जब इस प्रदेश की अगली 5 मुख्यमंत्री 5वीं बार बहन मायावती जी को बनाए हम लोग और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित करें। जो उनके उनके जब जब वो मुख्यमंत्री होती है तो कानून का राज होता है, तब कोई आपको इस तरह से बलात्कारी सड़कों में घूमते नहीं मिलेंगे जो हर 2 घंटे में बलात्कार कर रहे हैं, इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि महिलाएं इतनी सुरक्षित महसूस करती थी बहन मायावती जी के रात में कि रात के 12 बजे भी अगर घर से निकलना हो तो वो निकल जाती थी निडर होके, ये जानते हुए सोचते हुए कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह नहीं देख सकता उठा के, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और हमारी तरफ कोई गलत निगाह नहीं उठा सकता। बहन मायावती जी ने कानून का राज स्थापित करने के लिए सख्त कदम उठाने का काम किया था, अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 साल के लिए जेल भेजने का काम किया था क्योंकि उसने कानून अपने हाथ में उठाने का काम किया था। इसलिए आपसे मैं पुनः यह अनुरोध करते हुए कि इकट्ठा होइए, एक साथ होइए, एकजुट होइए
और भाईचारा बनाइए, और भाईचारा बना करके ये संकल्प लेते हुए कि 2022 में अगली बार हम बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके ही दम देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भाजपा।